भगवान के द्वारा ही हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, चलते हैं और बोलते हैं। जो भी कार्य होता है भगवान के द्वारा होता है, उन्हीं की शक्ति द्वारा होता है। तो एक ही करना चाहिए। हमारे भगवान जब श्रीलंका को जीत लिए और जीतने के बाद विभीषण को राज देते हैं, कहते हैं भैया राज लो। विभीषण ने कहा प्रभु मुझे राज नहीं चाहिए, मेरी जो वासना थी वह वासना आपके चरणों की सेवा से बह गई। कहा तुमने पहले मुझे मेरा दर्शन किया था इसलिए फल मिलेगा, लेकिन राज दे रहा हूँ ये ख्याल करना। करे हूँ कल्प भर राज, आज भी विभीषण राज करता है हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। करे हूँ कल्प भर राज, तुम सुमरे हूँ मन माहे, तुम अपने मन में स्मरण करते रहना। क्या राम राम, गुरुदेव ने बताया था तुम सुमरे हूँ मन माहे, तुम मन में स्मरण करते रहना कि जो गद्दी मिली है श्री रामानंदाचार्य की, पीठ मिली है वह प्रभु की है, हमारी हमारी नहीं है। देखिए क्या तुम सुमरे हूँ मन माँ, तुम मन में स्मरण करते रहना कि जो श्री राम राज्य दे रहे हैं लंका का, वह लंका का राज राम जी का है। तुम स्मरण करते रहना कि यह लंका का जो राज्य है वो श्री राम जी जीते हैं। जैसे हम लोगों का मानसरोवर तिब्बत में पड़ता है, चीन ने जीत लिया इसलिए उसका मालिक वो बन गया है, वैसे राम जी जीते हैं लंका को। और लंका को जीतने के बाद विभीषण को दे रहे हैं, कहा भैया ये राज लो, लेकिन याद करते रहना कि यह मेरी संपत्ति नहीं राम जी की संपत्ति है, मैं तो सेवक हूँ, गाड़ी किसी की है, चालक कोई है। ऐसा करोगे जीवन भर तो राज्य भी पूरा हो जाएगा, कहाँ जाओगे। तुम सुमरे हो मन माए पुनिमम धाम पाई हो, जहाँ संत सब जहाँ जहाँ संत जाते वहाँ चले जाओगे। बोले सियावर रामचंद की।